गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट सिक्स मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में यूपीएससी, एचपीएएस, एचपीपीएससी, एचपीएसएससी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्ज़ाम, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री, करंट अफेयर्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें इंपॉर्टेंट होंगे, कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स आप सभी के लिए है जो इस वीडियो को देख रहा है। हम इसमें डीआरडीओ भी कवर अप करेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स भी कवर अप करेंगे, कुछ मिसाइल्स भी कवर अप करेंगे। तो बहुत सारे इसमें करंट अफेयर्स होंगे, तो वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। साथ ही साथ जो है आज हिस्ट्री का लेक्चरर का पेपर है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने एग्रीमेंट्स लिखे हैं जो इंडिया के साथ हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, कुछ एग्रीमेंट हुआ है, कोविड 19 के समय पर ही हुआ था। उस समय इंडिया में जो है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन वो आने वाले थे, लेकिन कोविड 19 की वजह से वो नहीं आ पाए, तो ऑनलाइन ही जो है एग्रीमेंट साइन हुए हैं, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में आपको याद रखना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अभी एक मालाबार वो होती है, आर्मी एक्सरसाइज होती है, जिसमें जापान, यूएसए और इंडिया होता है। तो अब इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया भी शामिल किया जा सकता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मालाबार जो एक आर्मी एक्सरसाइज होती है वो जापान, यूएसए, इंडिया और अब ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगी। नेक्स्ट देखते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है समझौता हुआ है, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है समझौता हुआ है इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ। तो अफ़गानिस्तान में जो है इंडिया अब थोड़ा सा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करेगा, वहाँ की जो पांच प्रांत हैं उनके अंदर जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इंडिया और डेनमार्क के बीच में, इंडियन और डेनमार्क के बीच में पावर यानी कि रिलेटेड टू बिजली, तो उस क्षेत्र में जो है इंडिया और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है। उसी तरह से इंडिया और भूटान के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में एनवायरनमेंट के क्षेत्र में समझौता हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इनके पास साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो है समझौता हुआ है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि मॉरिशियस में आपका सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, उसका इनॉग्रेशन किया गया है। और उसी तरह से याद रखना है जो मेडिकल सर्विसेज के टर्म पे, मेडिकल जो सर्विसेज दी गई है अभी मॉरिशस को, वो भी मॉरिशस को दी गई है। ठीक है, तो ये समझौते हुए हैं उसके साथ, प्रविंद्र जगन्नाथ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीमेंट हुए हैं जो इंडिया और मालदीव के साथ, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं हमारे। तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट है वो चल रहे हैं, जैसे देखिए, इंडिया हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेटिंग अप फिश प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए इंडिया और मालदीव्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो कहाँ हुआ है, मरादू एंड हुलहुदू आइलैंड इन मालदीव्स में। तो मरादू एंड हुलहुदू आइलैंड मालदीव्स में इंडिया जो है फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट जो है सेटअप करेगा। सेकंड देखिए, इंडिया मालदीव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइंड हुआ है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, थर्ड देखिए, इंडिया एंड मालदीव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट एंड कैश ग्रांट ऑफ $8 million। आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट के लिए भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में साइंड हुआ है, जिसमें जो है ग्रांट दी जाएगी $8 million की। तो एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ग्रांट और लोन में क्या अंतर है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो जो ग्रांट होता है, लोन होता है आपका, वो
वापस देना पड़ता है आपको। मान लो किसी से आप लोन लेते हैं बैंक से, तो आपको वो वापस चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ग्रांट आपको देता है तो वो आपको वापस नहीं चुकाना पड़ता। तो यहाँ पर भी ग्रांट दी गई है $8 million की, तो उसको जो है इंडिया और मालदीव्स को ग्रांट दी गई है आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, SBI हैज़ प्रोवाइडेड $16.20 million लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर लोकल बिजनेस टू टैकल COVID-19। तो देखिए SBI ने वहाँ के लिए मॉरिशियस मालदीव्स के लिए 16.20 million सपोर्ट दिया है, लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है लोकल बिजनेस के लिए, ताकि वो COVID-19 से को हैंडल कर सके। ठीक है, तो जो COVID-19 की वजह से जो बिजनेस जो है ठप पड़ा हुआ है, तो उसको हैंडल करने के लिए SBI ने $16.20 million दिए हैं मालदीव्स को। तो ये चार करंट अफेयर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके लिए ये, तो इसको देख लीजिएगा एक बार पेपर से पहले जाने से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं IIT रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, IIT गांधीनगर हैज़ डेवलप्ड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड। तो IIT गांधीनगर ने क्या डेवलप किया है, एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड डेवलप किया है जिसका नाम है MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड टू हेल्प कंटेन COVID-19 कम्युनिटी इन्फेक्शन पोस्ट लॉकडाउन। ठीक है, जो COVID-19 कम्युनिटी है उसको इन्फेक्शन से सेपरेट करना। ठीक है, तो वो इन्होंने डेवलप किया है, तो MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड किसने डेवलप किया है, IIT गांधीनगर ने। उसी के बाद आती है IIT मुंबई ने एक COVID-19 टेस्ट बस लॉन्च करी है, इसी के अंदर जो है आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, IIT मुंबई ने वो डेवलप की है, IIT रुड़की ने क्या किया है, IIT रुड़की ने एक वेंटिलेटर बनाया है जो कि एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर है जिसका नाम है प्राणवायु। ठीक है, और वो किसके साथ मिलकर बनाया है, एम्स ऋषिकेश के साथ। तो IIT रुड़की ने क्या किया है, लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है प्राणवायु एम्स ऋषिकेश के साथ। नेक्स्ट देखिए IIT बॉम्बे ने क्या किया है, एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया है जिसका नाम है आयुसिंक। ठीक है, आयुसिंक नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया है IIT बॉम्बे ने। तो उसका काम क्या है, वो चेक करेगी पेशेंट्स को कि वो COVID-19 से ग्रसित तो नहीं है। ठीक है, तो वो IIT बॉम्बे ने बनाया है आयुसिंक। ठीक है, उसी तरह से IIT दिल्ली के साथ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इंडिया ने कोलैबोरेट किया है रिसर्च करने के लिए कि किस तरह से स्टोरेज सप्लाई किया जाए फूड ग्रेन्स का। तो अभी आपको पता ही है कि स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। तो IIT दिल्ली के साथ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया ने कोलैबोरेट किया है स्टोरेज के लिए से रिलेटेड। तो ये पांच न्यूज़ थी IIT से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी IIT की न्यूज़ है, IIT खड़गपुर रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड AI बेस्ड सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग। तो IIT खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम तैयार किया है जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक कर सकें। ठीक है, सेवन्थ देखिए, IIT गांधीनगर हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट, उन्होंने IIT गांधीनगर ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए, ताकि वो COVID-19 के समय पे कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं ला सकें। ठीक है, तो आइजैक किसने डेवलप किया है आपका, IIT गांधीनगर ने। नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सैंक्शनड ₹7.25 करोड़ टू IIT मंडी टू एस्टेब्लिश अ टेक इनोवेशन हब। टेक इनोवेशन हब को एस्टेब्लिश करने के लिए IIT मंडी को 7.25 करोड़ रुपीस दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, IIT दिल्ली हैज़ डेवलप्ड वॉश करो ऐप टू वॉर्न अबाउट COVID-19। IIT दिल्ली ने क्या किया है, वॉश करो जो आपका ऐप है उसको डेवलप किया है ताकि COVID-19 के बारे में उसको वॉर्न किया जा सके।
आईआईटी दिल्ली ने अभी आपकी कोरोसर नामक एक किट भी डेवलप की थी जो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है विद लो कॉस्ट बजट, ठीक है। और उसी तरह से आईआईटी दिल्ली में अभी इसरो जो है रिसर्च सेल बना रहा है और गुवाहाटी में भी इसरो रिसर्च सेल बना रहा है, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद में आपका इसरो सॉरी डीआरडीओ रिसर्च सेल बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आईआईटी रोपड़ हैज़ डेवलप्ड एंड डिज़ाइंड अ वार्ड बोट टू डिलीवर मेडिसिन एंड फूड्स टू कोविड 19 पेशेंट्स। देखिए अभी पता है आपको कि कोविड 19 चल रहा है, तो ऐसे में पेशेंट्स के पास जो है जाने से बहुत लोग कतराते हैं, मेडिसिन देने के लिए नर्सिस कतराती है, तो उनके लिए एक स्पेशल एक रोबोट टाइप का वार्ड बोट तैयार किया गया है, ठीक है। तो वो आईआईटी रोपड़ द्वारा तैयार किया गया है। एक होता है कोबोट, एक होता है रोबोट, दोनों में अंतर बताना है आपको, ठीक है। एक होता है कोबोट, एक होता है रोबोट, दोनों में आपको अंतर बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका अंतर बताइए, ठीक है। आईआईटी मंडी की दूसरी न्यूज़ है, आईटी मंडी ने क्या किया है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी डेवलप की है जो कि हाई स्पीड मेमोरी है, रैम जिसको बोलते हैं। तो आईआईटी मंडी ने इसको डेवलप किया है जो हाई स्पीड एक रैंडम मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ थी, अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स हैं। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट टेस्ट्स ऑफ एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्रा फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चंदीपुर इन ओडिशा डीआरडीओ। इंडिया ने जो है अभी सक्सेसफुली कंडक्ट की थी 3 फ्लाइट टेस्ट मिसाइल्स जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवस्त्र जिसका नाम है, तो उसको चंदीपुर के ओडिशा से लॉन्च किया गया था, कंडक्ट किया था, ठीक है। तो ध्रुव अस्त्र आपको याद रखनी है कि ध्रुव अस्त्र जो है एक तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि इंडिया की है और डीआरडीओ ने उसको बनाया है, ठीक है। जो आपकी ये एक तरह से नाग रिलेटेड जो है मिसाइल है, हेलिना जिसको बोलते हैं, ठीक है, नाग रिलेटेड। सेकंड देखिए, स्वीडिश एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हैज़ वॉन द फर्स्ट गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमनिटी। देखिए आपको पता है कि ग्रेटा थनबर्ग एक एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, स्वीडन की रहने वाली है, तो उनको गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमनिटी दिया जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि के सिवान जो इसरो के चीफ है उनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, उनको वॉन कर्मन अवार्ड दिया जा रहा है, वॉन कर्मन अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल अवार्ड है, स्पेशली उनको दिया जाता है जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में या साइंटिस्ट के क्षेत्र में जो है काफ़ी नाम कमाया है। तो के सिवान एक ऐसे भारतीय हैं जिनको वॉन कर्मन अवार्ड दिया जा रहा है 2020 का। नेक्स्ट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड अ स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो स्टैचू है वो इनॉग्रेट किया है वेंकैया नायडू ने। कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफिस में न्यू दिल्ली में, ठीक है, कैग के ऑफिस में न्यू दिल्ली में एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्टैचू है वो उसको इनॉग्रेट किया है। अभी आपको पता है कि कैग कौन बने हैं, वो आपके बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जी सी मुर्मू, जो पहले आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। अब वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और उन्होंने जो जी सी मुर्मू है उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब कैग कौन है, जी सी मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश हैज साइंड अ MOU विद अमूल टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बूस्ट मिल्क कॉरपोरेशन। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने एक MOU साइन किया है अमूल के साथ, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता ग्रुप, ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करने के लिए ये MOU साइन हुआ है अमूल के साथ। उसी तरह से नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स वन स्टेप फिनटेक पेमेंट, ठीक है,
फिनटेक पेमेंट जो है सॉल्यूशन जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और UPI ऑटो पे उससे लॉन्च किया गया है ये, ठीक है। तो ये याद रखना है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किस चीज़ को लॉन्च किया है, वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है UPI ऑटो पे से। तो ये न्यूज़ थी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर कुछ अब हम बात करेंगे सैटेलाइट्स की, कंट्रीज़ की, कौन कौन सी सैटेलाइट किसने लॉन्च की है। तो जो शुरू की 3 है ये मार्स मिशन से रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। जो नूर है ये आपकी एक आर्मी सैटेलाइट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होप है वो आपकी UAE की सैटेलाइट है और मार्स मिशन पर अभी जो है भेजी गई है, ठीक है, जापान के स्टेशन से। तियानविन जो सैटेलाइट है वो एक तरह से मार्स की मार्स पे भेजी वाली साइड सैटेलाइट है जो चाइना भेजेगा उसको, ठीक है। उसी तरह से परसिवरेंस USA की मार्स मिशन है। NSS-2 साउथ कोरिया का मार्स ये मिशन है, ठीक है, साउथ कोरिया की ये सैटेलाइट है। तो ये आपको याद रखनी है। नूर जो है ईरान की सैटेलाइट है, ईरान से रिलेटेड आपको याद रखना है कि ये आर्मी सैटेलाइट है एक तरह से नूर, और उसी तरह से ईरान से रिलेटेड फैक्ट है कि उन्होंने अपनी करेंसी को टोमान चेंज कर दिया है, टोमान रख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसी तरह से अमेजोनिया जो है इंडिया इसरो जो है लॉन्च करेगा ब्राज़ील की सैटेलाइट, ठीक है, अमेजोनिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि रशिया ने अभी एक जो है वैक्सीन बनाई COVID-19 की जिसका नाम है स्पुतनिक। क्या नाम है? स्पुतनिक। तो ये जो स्पुतनिक है जो आपका रशिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी स्पुतनिक, उसके नाम पर पड़ा हुआ। तो यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स बनाई गई थी जो मैंने आपको मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स है। तो ये सारे के सारे जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए आपको, जितने भी करंट अफेयर्स थे, वो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं जो आपके वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मैंने पूछा है कोबोट और रोबोट में अंतर क्या है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो से, तब तक ले जय हिंद।